हाय, वेलकम टू माई चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1152 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेंड। तो यहाँ पर क्या करना है कि स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिससे हम यदि 1152 को डिवाइड करेंगे तो ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। तो वो कौन सा नंबर होगा, स्मॉलेस्ट नंबर? तो ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि जब हम किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन करते हैं तो प्राइम फैक्टर्स का पेयर यदि बन जाता है तो वह नंबर हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होती है। यदि पेयर नहीं बनता है तो वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जिसका पेयर नहीं बनेगा उससे डिवाइड करना पड़ेगा, वही स्मॉलेस्ट नंबर होगा। ठीक है, तो पहले कर लेते हैं यहाँ पर फैक्टराइजेशन। तो 1152, सॉरी, ये हो जाएगा 1152। यहाँ पर पहले करेंगे 8 से, तो क्या मिलेगा? देखिए 8 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यदि आप 2 से करेंगे तो 3 बार करना पड़ेगा। 8 से करेंगे तो एक ही बार में हो जाएगा 3। 3 बार करने के बजाय एक ही बार कर दीजिए, तो 8 बन जाए 8, और ये हो जाएगा आपका 3 बचेगा 35 हो जाएगा। 8 4 जा 32, और 8 4 जा 32। अभी फिर से 8 से चला जाएगा, 8 1 जा 8, बचा आपका 6 64 हो गया, 8 8 जा 64। अब यहाँ चला गया 2 से, 2 9 जा 18, तो ये हो जाएगा 3 3 जा और 3 1 जा। मीन्स लिख सकते हैं सो 1152 इज इक्वल टू, लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ देखिए 3 3 3 6, और एक बार और हो गया 7, और यहाँ पर 3 इंटू 3 रहेगा लास्ट में, 3 इंटू 3। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं पेयर कितना बना, ये बना, ये बना और ये बना। यहाँ पर पेयर जो है 2 का नहीं बना हुआ है, 3 का बन गया है। तो ये जो 2 जो नंबर है ना, ये इसी का पेयर नहीं बना यहाँ पर। तो जिसका पेयर नहीं बन पाता है, तो ये मतलब कि जिसका जिसके फैक्टर्स का पेयर नहीं बन पाता है वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो 1152 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और यहाँ पर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 2 ही वो स्मॉलेस्ट नंबर है। यहाँ पूछा है ना फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो 2 इज दैट स्मॉलेस्ट नंबर। क्लियरली आप लिख सकते हैं क्लियरली, और 2 इज दैट दैट स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, तो अब इसके आगे नहीं लिखना चाहता, मतलब आप लिख सकते हैं कि 2 इज दैट स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच वी शुड मल्टीप्लाई, वी मस्ट मल्टीप्लाई, सॉरी, वी मस्ट डिवाइड बाई डिवाइड टू 1152 टू मेक इट या टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो 2 आपका ये पहला आंसर है। अब यहाँ पर यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1152 को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो इधर भी डिवाइड करेंगे तो ये अब जो बचेगा वो मिल जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इतना हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 इंटू 3, यहाँ से 2 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा डिवाइड करेंगे 2 से। तो और यहाँ भी डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 1 जा 2, और यहाँ मिल जाएगा 2 5 जा 10, और 2 7 जा 14, और 1 बचा 12 हो गया, 2 6 जा 12, तो 576 हो जाएगा। और 576 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है, और उसका जो फैक्टराइजेशन है वो ये है जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो ये जो नंबर हो गई, ये हो गई परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका भी देखो, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेंड। तो ये जो नंबर मिला है परफेक्ट स्क्वायर, इसका भी निकाल लीजिए क्या, स्क्वायर रूट। सो हम लिख लेंगे यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 576 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 576 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ देखिए ये पेयर बन रहा है यहाँ पर, तो एक एक पेयर का नंबर जो है निकाल लेते हैं बाहर। तो 2 इंटू 2 इंटू, ये बाहर निकलेगा 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। मीन्स 24 इज द सेकेंड आंसर, मीन्स 24 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 576 दी अपटेन नंबर। ठीक है, तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।